हेलो एंड वेलकम यू फ्रेंड्स वंस अगेन। हम RPSC सेकेंड ग्रेज इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन राइटर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट राइटर पढ़ेंगे अमिताव घोष। और आज हम राइटर इंडियन राइटर है वो समाप्त कर देंगे। तो देखिए, अमिताव घोष फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर वॉज बॉर्न इन कैलकटा। कैलकटा में 1956 को इनका जन्म हुआ था। हिज फर्स्ट नॉवल इज द सर्कल ऑफ रीजन। इनका जो पहला नॉवल था वो था द सर्कल ऑफ रीजन। मैं जो जो बताऊँ वो इम्पोर्टेंट है, याद करते जाना है। हिज नॉवल द ग्लास पैलेस हैड बीन अवॉर्डेड द बेस्ट नॉवल। उनका जो बेस्ट नॉवल था वो था द ग्लास पैलेस। द शैडो लाइंस अवॉर्डेड हिम साहित्य अकेडमी अवॉर्ड। और इनको साहित्य अकेडमी अवॉर्ड मिला था किसके लिए, तो द शैडो लाइंस के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, द सर्कल ऑफ रीजन, ग्लास पैलेस एंड द शैडो लाइंस। फिर है इन एन एंटिक लैंड इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल, ये एक मानवीय विज्ञान था। इन एन एंटिक लैंड ही गॉट द आर्थर सी क्लार्क अवार्ड फॉर द कैलकटा क्रोमोसोम। इनको द कैलकटा क्रोमोसोम के लिए आर्थर सी क्लार्क अवार्ड भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे मैन बुकर प्राइज के लिए, एक तो सी ऑफ पपीज के लिए एंड एक मैन एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रिवर ऑफ स्मोक के लिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IBS ट्रायोलॉजी है, इसका एग्जाम में पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा था कि सेकंड वॉल्यूम कौन सा है। तो IBS ट्रायोलॉजी का फर्स्ट वॉल्यूम है सी ऑफ पपीज, सेकंड वॉल्यूम है रिवर ऑफ स्मोक एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है फ्लड ऑफ फायर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे याद करने होंगे आपको। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राइटर की। नेक्स्ट राइटर है हमारे मंजू कपूर। सी वॉज बॉर्न इन अमृतसर पंजाब ऑन 1 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ था। एक नॉवलिस्ट थी। सी वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1999 में इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला फॉर हर फर्स्ट पब्लिश वर्क डिफिकल्ट डॉटर। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक अगर मंजू कपूर से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा, डिफिकल्ट डॉटर बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉवल इज ऑल्सो ए नंबर वन सेलर इन इंडिया। और नंबर वन सेलिंग वैल्यू थी इस नॉवल की डिफिकल्ट डॉटर की, जो मंजू कपूर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हर अदर फेम्स पब्लिश वर्क्स इंक्लूड होम, ए मैरिड वूमेन, कस्टडी, द इमिग्रेंट एंड शेपिंग द वर्ल्ड। फिर है हर नॉवल कस्टडी वॉज अडॉप्टेड एज द टेलीविजन शो, ये है मोहब्बतें ऑन TV चैनल स्टार प्लस। स्टार प्लस TV चैनल पर ये है मोहब्बतें में ये टेलीविजन शो में अडॉप्ट किया गया था उनका नॉवल कस्टडी। इनके अलावा है फेवर फेवर एंड पेंगुइन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, डिफिकल्ट डॉटर, होम, ए मैरिड वूमेन, कस्टडी, द इमिग्रेंट, शेपिंग द वर्ल्ड एंड कस्टडी, फेवर फेवर एंड पेंगुइन इंडिया, ये है मंजू कपूर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारे इंडियन राइटर में लास्ट राइटर को डिस्कस करते हैं हम, अरुंधति रॉय। एक नॉवलिस्ट थी अरुंधति रॉय, वॉज बॉर्न इन शिलोंग इन 1961। शिलोंग 1961 में इनका जन्म हुआ। अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज, एकमात्र इंडियन राइटर जिन्हें बुकर प्राइज मिला 1997 में फॉर हर फर्स्ट नॉवल, अपने पहले नॉवल के लिए, और वो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। फिर वेलुथा एंड अम्मू आर द टू सेंट्रल फिगर्स इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दो करेक्टर हैं, चीफ करेक्टर हैं वेलुथा एंड अम्मू गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। सी ऑल्सो गॉट सिडनी पीस प्राइज इन 2004 में इनको सिडनी पीस प्राइज भी मिल चुका है। हर अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इन द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, वॉर इज पीस एंड पावर पॉलिटिक्स, ये भी इनको इम्पोर्टेंट हैं। फिर है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज ए नॉवल रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का एक और नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिससे बुकर प्राइज मिला, वेलुथा एंड अम्मू इसमें चीफ कैरेक्टर हैं, सिडनी पीस प्राइज मिला, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, वॉर इज पीस एंड पावर पॉलिटिक्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये थी अरुंधति रॉय। और इसी के साथ ही हमारे राइटर जो हैं वो फिनिश होते हैं इंडियन राइटर। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को, जिसमें एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब आएंगे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए गुड डे।